नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडियन एक्सचेंजेस के साथ क्या हो रहा है और इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा क्यों गिरता जा रहा है। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं, 1 अप्रैल से आपको पता होगा इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्स इंप्लीमेंट हो चुका है। अब आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, पर जो इसका जो फ्लैट टैक्स जो रखा गया 30% का, उसकी वजह से जो परेशानियां निकल कर आई हैं, गवर्नमेंट ने जो बिल्कुल फ्लैट फ्लैट टैक्स रखा 30%, पर उसमें कोई सेट ऑफ नहीं दिया इसके साथ साथ, ठीक है। अब 1 जुलाई से जो TDS का निकल कर आएगा, और यहाँ तक कि और इन्होंने जो कोई टैक्स स्लैब भी नहीं रखा है, यानी कि 30% टैक्स मतलब प्रॉफिट हमारा है, लॉस तुम्हारा, सीधा सा मामला ये। और इन्होंने जो इनडायरेक्ट वे से जो इसको लगाया है, जो क्रिप्टो टैक्स को लगाया, और लगाने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि हम इसको भाई अभी हम सोच रहे, विचार कर रहे, पर जब तक टैक्स लेंगे क्या पता हम आगे चलकर इसको बंद भी कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इस चीज का इम्पैक्ट लोगों पर इतना पड़ा, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो सब बाहर निकल चुके हैं इंडियन एक्सचेंजेस से। कम से कम 80-95% फंड विड्रॉ किया जा चुका है, और किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर या काफी लोगों ने तो विड्रॉ करके सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि 1 अप्रैल से जो टैक्स लगना था 31 तारीख 29 तारीख 28 तारीख को सब अपना मामला निपटा चुके हैं या फिर विड्रॉ कर चुके हैं। आज इंडियन एक्सचेंजेस की हालत इतनी खराब है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलता हूँ वजीरेक्स, ठीक है। वजीरेक्स कहाँ गया भाई, चलिए एक बार वजीरेक्स को देख लेते हैं। इस वक्त आई थिंक 56 सेंट के आसपास का होगा, करीब करीब इंडिया का नेटिव एक्सचेंज का टोकन है, 56 यानी कि 56.5 सेंट का ही है, ठीक है। 56.5 सेंट का इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है, और अगर अब इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो आप देखोगे, मैं ऑल टाइम हाई पे चलता हूँ, रुपए के हिसाब से 420 रुपए तक गया था। यहाँ पर आप देखोगे $4 के आसपास तक गया था, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ डंप और डंप ही देखने को मिल रहा है इस कॉइन के अंदर भी। ये जरूरी नहीं कि ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है टैक्स का, सीधा सीधा आपको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ और भी चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो आपने इंडियन एक्सचेंज के अंदर भी देखा, अगर 1 तारीख तक अगर कोई टैक्स के अंदर कुछ सुधार नहीं करते हैं 1 जुलाई से पहले, तो आप यहाँ पर इसको वही 20-30-40 सेंट तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सारे यूजर सब कुछ को सेल आउट कर देंगे। अब चलते हैं कोइन DCX एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। अब कोइन DCX एक्सचेंज मैंने आपको ओपन किया है, यहाँ पर आप देखोगे कोइन DCX एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने सिर्फ ये देखिए 14 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम मैं ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे करीब करीब 6 अप्रैल के आसपास, ये मैं थोड़ा 30 दिन का देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे करीब 31 मार्च तक इसमें 29 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, और आज की डेट में करीब करीब 8 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रह गया, यानी कि 4 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम खत्म हो चुका है, यानी कि 70-80% वॉल्यूम खत्म हो चुका है। BitBNS एक्सचेंज की बात करते हैं हम, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं एक बार 30 दिन के अंदर, आप यहाँ पर भी देखोगे, ये देखिए करीब करीब 5-6 अप्रैल को भी 33 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, और आज की डेट में 20 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रह गया, यानी करीब करीब इसका भी हाफ ट्रेडिंग वॉल्यूम रह गया 5-6 अप्रैल के आसपास से। ये हाँ ठीक है, बायू कोइन एक्सचेंज, ठीक है, ये भी एक इंडियन एक्सचेंज है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो इसके अंदर 2 मिलियन ट्रेडिंग करीब 3 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम था, ठीक है, ये 17 अप्रैल का है, सॉरी मैं इसे 30 दिन का खोलता हूँ, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। यहाँ पर आप देखोगे 29 मार्च को 3.7 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, और आज की डेट में 2.4 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा, ऑलमोस्ट 50% ये भी डंप हो चुका है, ठीक है। वजीरेक्स एक्सचेंज की बात करते हैं, जिसके लोग जानना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ये करीबन 1 अप्रैल को 174 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, और आज की डेट में आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ 30 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रह गया, ठीक है। कम से कम 4-4.5 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका गिर चुका है, ठीक है, 80-90% तक इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर चुका है, जबकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसी एक्सचेंज के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों, ये है। तो लोग अब यहाँ से इंडियन एक्सचेंजेस से मूव करके इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। बाकी कोइन स्विच कुबेर, माफ से कहना चाहूँगा, कोइन स्विच कुबेर है चाहे BitBNS, काफ़ी जो उस एक्सचेंज पर कर रहे होंगे या उस एक्सचेंज को क्या पता है वीडियो बुरी लग सकती है, मेरा आप सभी को यही सजेशन है, इंडियन एक्सचेंजेस से अपने फंड को विड्रॉ कर लीजिए, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो XYZ, वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और इंटरनेशनल एक्सचेंज में फंड को ले जाइए, वहीं पर आपको ट्रेड करिए। और आप ज़्यादा बिल्कुल सेफर साइड चलना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट, एग्जाम्पल ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल वॉलेट, बिटकीप वॉलेट, एटोमिक वॉलेट, ठीक है, इन तरह के इन वॉलेट्स का यूज करिए, और वहां से आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, चाहे आप सीरम एक्सचेंज हो, चाहे आपका
वन इंच हो, चाहे बाइनेंस का डेक्स हो, चाहे रेडियम हो, पैनकेक स्वैप हो, यूनी स्वैप हो, बेकरी स्वैप हो, पता नहीं कितने स्वैप ही स्वैप हैं, ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हैं और वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आजकल अभी जैसे रिसेंटली बाइबिट पर आज एक एक्सचेंज लिस्ट हुआ है और लॉन्च पैड पर आज उनका खुद का टोकन आया है एपेक्स का, वो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बाइनेंस की जैसे बिल्कुल लुक है उसकी और डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है, आप यानी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। और क्या चाहिए आपको, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं, फुल अपना मजे लीजिए वहाँ पर, ठीक है, ट्रेड करिए। या अगर आप बिल्कुल ही ज़्यादा सेफर साइड चलना चाहते हो तो सेफपाल वॉलेट का हार्डवेयर वॉलेट रखिए, उसके अंदर अपने टोकन को बाय करके छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए ही मत उसको, ठीक है, 3-4 साल जब तक आप होल्ड करना चाहते हैं, जब आपको लगेगा हाँ अभी मेरा प्रॉफिट हुआ है तो जाकर आप चाहे तो टैक्स दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये है इंडियन एक्सचेंजेस, थोड़ा सा सेफ रहिए, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा खोने के लिए, क्योंकि ये है ना एक झटके से आपकी ऐसी दुकान बंद कर देंगे। और आपको अगर आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं, तो 2018 को जाके देख लीजिएगा जब RBI बैन लगाया था ना इन एक्सचेंजेस ने, विड्रो, जैप पे, ठीक, इन जैसों ने क्या करा था, आपके आपको एक आपके पास 1,000 रुपये पड़े विड्रॉल करने के लिए, आपको 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये की विड्रॉल फीस लगाई थी। जब आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते उस चीज को, क्या करोगे उस चीज का। तो इंडियन एक्सचेंज में किसी का नाम नहीं लूंगा, किससे, इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर से अपना फंड विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, सेफर साइड चलना चाहते हैं, अदरवाइज उसको यूज करिए, रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। हाँ, किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर दिया टैक्स को लेकर, कोई सुधार कर दिया या राहत दे दी, तो फिर हम इसके अंदर काफी अच्छा बूम भी देख सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं इसके साथ, बट अभी तो फिलहाल कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। तो ये थी वीडियो दोस्तों, आपको सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।